बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात सूरतुल माउन के सवाल जवाब। बेटे, हम सूरतुल माउन के सवाल जवाब पढ़ेंगे सिलेबस से। सवाल नंबर एक है, सूरतुल माउन कुरान मजीद के किस पारा में है? जवाब है, सूरतुल माउन कुरान मजीद के 30वें पारा में है। कौन से पारा में है? 30वें पारा में। सवाल नंबर दो है बेटे, सूरतुल माउन में कितनी आयात हैं? जवाब है, सूरतुल माउन में 7 आयात हैं। कितनी आयात हैं? 7। सवाल नंबर तीन है, सूरतुल माउन में क्या सबक दिया गया है? सूरतुल माउन में सबक दिया गया है कि इबादत दिखावे की गरज से ना करें, आम इस्तेमाल की चीज़ें मांगने पर लोगों को दें। यानी हमें सबक दिया गया है कि अगर हम इबादत करें तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम दिखावे की इबादत करें, बल्कि हमें चाहिए कि इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और हमें चाहिए कि हम आम इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो मांगने पर लोगों को दें। सूरतुल माउन कुरान मजीद के किस पारा में है? सूरतुल माउन कुरान मजीद के 30वें पारा में है। सूरतुल माउन में कितनी आयात हैं? सूरतुल माउन में 7 आयात हैं। सूरतुल माउन में क्या सबक दिया गया है? सूरतुल माउन में सबक दिया गया है कि इबादत दिखावे की गरज से ना करें, आम इस्तेमाल की चीज़ें मांगने पर लोगों को दें। मैं उम्मीद करती हूँ बेटे आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।